नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रुख अख्तियार किए सचिन पायलट ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने गिरिराज सिंह से माफी मांगने और एक रुपए की राशि देने की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर 7 दिनों में माफी नहीं मांगी तो सिविल और आपराधिक मानहानि का केस करेंगे। राजस्थान में चल रही सियासी जंग में एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं। बुधवार को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद पायलट खेमे की ओर से कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। उनकी तरफ से आग्रह किया गया है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना करे। दरअसल स्पीकर जोशी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे हैं, जिसमें कोर्ट ने पायलट को राहत देते हुए स्पीकर से 24 जुलाई तक उन पर कोई कार्रवाई ना करने का आदेश जारी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर बुधवार को हुई ईडी की छापेमारी से कांग्रेस भड़क गई है। छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी ने कहा है कि दिल्ली की सत्ता में बैठे हुक्मरान इतने अहंकारी हो गए हैं कि वे समझते हैं कि जिसे चाहते हैं, जिस जनमत को चाहते हैं, पैर तले रौन सकते हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है और इससे राजस्थान डरने वाला नहीं है। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सेना के एक जवान के पिता की उत्तर प्रदेश के अमेठी में हत्या कर दी गई। जवान की गर्भवती पत्नी को भी बुरी तरह पीटा गया। ये घटना जमीन के विवाद को लेकर संग्रामपुर इलाके के शुक्लपुर गांव में हुई। पिता की मौत के बाद जवान का रोते हुए वीडियो वायरल हो गया है। जवान का नाम सूर्य प्रकाश है और वह इन दिनों जम्मू कश्मीर में तैनात है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में वांछित 5 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त लाठियों व लोहे की रॉड के साथ बुधवार को गिरफ्तार तो किया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने अमेठी की घटना पर कहा कि फौजियों की कुर्बानी पर वोट तो बटोरेंगे, पर अपराधियों द्वारा पिता को काट डाला जाएगा, गर्भवती पत्नी को निर्दयता से पीटा जाएगा और बीजेपी सरकार मूक दर्शक बन के देखती रहेगी। समाचार एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि चीनी सेना पीछे नहीं हटी है और वो अभी भी वायु रक्षा प्रणालियों, बख्तरबंद कर्मियों के वाहक और लंबी दूरी के तोपखानों से लैस है। 40,000 सैनिक तैनात हैं। खबर आ रही है कि चीन ने जिस जमीन पर बफर जोन बनाने की सहमति दी थी, वहां से भी वो पीछे नहीं हटा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ईद उल अजहा मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण के अंदेशों को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न किए जाने को कहा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने बकरीद के मौके पर बाजारों को खोलने के साथ साथ दुआ के लिए मस्जिदों को खोलने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि बकरीद के मौके पर बाजारों को खोला जाना चाहिए ताकि लोग जानवर खरीद सकें। इसके साथ ही मस्जिद और ईदगाहों को भी लोगों के लिए खोला जाना चाहिए ताकि लोग कोरोना वायरस को खत्म करने की भी दुआ मांग सकें। विकास दुबे के कथित एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान के नेतृत्व में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में जांच आयोग काम शुरू करे और 2 महीनों के अंदर जांच पूरी कर ले। उससे पहले सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों की गोली से घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की बुधवार सुबह मौत हो गई। विक्रम को सोमवार रात को इलाके के बदमाशों ने गोली मार दी थी। विक्रम ने कुछ समय पहले पुलिस में कुछ बदमाशों के खिलाफ उनकी भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। विक्रम को उस वक्त गोली मारी गई जब वह मोटरसाइकिल पर अपनी बेटियों के साथ घर लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों द्वारा पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट किया, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना है। राहुल ने योगी सरकार के रामराज देने के दावों को कटघरे में खड़ा किया और कहा, वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद में अपनी बेटी के साथ बाइक पर जा रहे एक पत्रकार को गोली मारने से प्रदेश की जनता सकते में है। भाजपा सरकार स्पष्ट करे कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले इन अपराधियों बदमाशों के हौसले किसके बलबूते पर फल फूल रहे हैं। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या किए जाने पर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूरे यूपी में हत्या व महिला सुरक्षा सहित जिस तरह से हर प्रकार के गंभीर अपराधों की बाढ़ आई है, उससे स्पष्ट है कि यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। जनता त्रस्त है, सरकार इस ओर ध्यान दे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट करने के मामले में देश के जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और ट्विटर इंडिया के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है।
बता दें पिछले महीने प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कि जब भविष्य के इतिहासकार पिछले 6 वर्षों को देखेंगे कि औपचारिक आपातकाल के बिना भी भारत में लोकतंत्र कैसे नष्ट कर दिया गया, तो विशेष रूप से इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को चिन्हित करेंगे और विशेष रूप से अंतिम 4 प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका को चिन्हित करेंगे। असम और बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। हजारों घर डूब गए हैं। सैकड़ों गांव के लोगों को अपने घरों को छोड़कर कैंप में रहना पड़ रहा है। कई लोग अभी भी गांव में फंसे हैं, जिनकी जिंदगी मचान पर बैठकर गुजर रही है। राज्यसभा में आज 45 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। उनमें 36 सांसद वो हैं जो पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव में 20 राज्यों से 61 सदस्य चुनकर आए हैं, जिनमें से 45 ने आज शपथ ली है। इस दौरान राज्यसभा से एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब हर रोज 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12 लाख को पार कर चुका है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस रिकवरी रेट 63% से ज्यादा बना हुआ है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,49,00,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 6,15,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 91,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में एक दिन में 1,000 से अधिक लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान गई है, जिससे अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,42,000 के करीब हो गई, जबकि संक्रमण के मामले 39,00,000 के करीब पहुंच चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।